थोड़ा सा प्लान चेंज हो रहा है बेटा। अभी हम हैं सितारा होटल में, जो कि सितारे जैसा चमक भी रहा है। सर्दी के दिनों में परी जा रही है पूल के अंदर रात को। ये दोनों वीडियो कंटेंट के लिए पानी के अंदर जा रहे हैं। और ये दीदी लोग खेल रहे हैं, देखो कौन जीतेगा। पहुंच गए मामा स्टॉल में। कहाँ पहुंचे? होटल तारा। ठीक है, तो वैसे आप लोगों ने वो ब्लॉग देखा होगा जो फ्रॉम बलांगीर टू बेंगलोर, तो बीच में हम लोग रुके थे रामोजी फिल्म सिटी पे, तो जिसके अंदर एक होटल हाँ, था जिसका नाम था तारा होटल। हाँ, तो ये वही ब्लॉग है। तो आज हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है जो रामोजी फिल्म सिटी के अंदर दो अच्छा अच्छा होटल है, तारा एंड सितारा, तो हम लोग रुके हैं तारा होटल में। तो ये होटल के बारे में और ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा हाँ, इस व्लॉग में। इस व्लॉग पे तो फिर ये व्लॉग में बहुत मस्ती होने वाला है, तो फिर एंड तक जरूर देखना। हाँ, और अभी हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा सा ये इसको एक्सप्लोर करेंगे। हमारा जो रामोजी फिल्म सिटी का जो स्टूडियो टूर है वो कल है, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग पे आएगा। ठीक है, okay. तो आज का ब्लॉग बेसिकली तारा सितारा होटल एक्सप्लोर है। चले अभी। तो ये है रूम का साइज, एग्जीक्यूटिव साइज है, तो तीन बेड बहुत मुश्किल से आ रहा है, बट मैनेजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाथरूम तो बहुत अच्छा है ना परी? पापा बोल रहे हैं कि हमारा जो न्यू हाउस है उसके लिए ये बाथरूम परफेक्ट है। हाँ, तो इस इधर का जो बाथरूम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेम्पल, जो कि मम्मी का फेवरेट जगह है। मम्मी रेडी होके बैठे हैं, मम्मी के लिए टेम्पल जाना है। तो फिर अभी हम जा रहे हैं सांगे टेम्पल। सो हमारे साथ जा रहे हैं मैं, मामा, पापा, मम्मी और आदि। अभी तक आए नहीं है, वो आने वाले हैं। पापा वो अभी तक आए क्यों नहीं? वो आदि खाना ढूक नहीं कर रहा है। ओह तो वैसे ये जो टेम्पल है ये 1 किलोमीटर है, और आज हमको मतलब यहाँ पे आते आते 11-12 o'clock हो गया। तो हमने सोचा कि ओके हम कल जो स्टूडियो टूर करते हैं, आज हमारे पास थोड़ा रेस्ट लेने के लिए टाइम था, अभी इवनिंग को कुछ करने को नहीं था, तो चलो पहले एक बार टेम्पल जाते हैं। आने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है इसका क्लब हाउस है और भी बहुत कुछ है, इंडोर गेम्स है, प्ले एरिया है, तो वो सब बाद में एक्सप्लोर करेंगे। आई थिंक रात को बहुत अच्छा लाइटिंग भी होगा, तो वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। उधर जो आप देख रहे हो वो होटल है सितारा, और यहाँ पे जो ये है चैंपियन, यहाँ पे इंडोर गेम है जो हम रात को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग मंदिर के लिए निकल ही रहे थे, आदि को डायपर चेंज करना था तो उसकी मम्मी ऊपर चले गए। ये जगह कैसा लग रहा है परी? यहाँ जैसे जाते जाते पूरा दूर चला जा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और उधर भी देखो कितना सुंदर सुंदर जगह है, गार्डनिंग है, वो ऊपर भी कुछ है, देखो ना उधर ऊपर, ये देखो वो ऊपर, वो शायद कोई पिरामिड जैसा है। परी थोड़ा सा प्लान चेंज हो रहा है बेटा। क्या? अभी मंदिर नहीं जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे, पहले थोड़ा इधर से घूम लेते हैं, तो आने के बाद अंधेरा हो जाएगा ना। ठीक है, और उसके बाद मंदिर जाएंगे। टेम्पल तो 8 बजे तक खुला है वैसे भी। ठीक है, चलो देखो तो कैसे हार्ट शेप में है। हाँ, यहाँ पे एक हार्ट, फिर वहाँ से एक हार्ट सीख कर रहा है ना।
बहुत सुंदर है, कलर कितना अच्छे से प्लान करते हैं ना। हाँ, आई डोंट नो हाउ, लाइक यहाँ पे ग्रीन ना सुंदर से शेड हो के, और यहाँ पे पर्पल। ये कौन सा कलर है आदि? पर्पल। और ये चलो देखते हैं आगे और क्या क्या है। हाँ, रुको रुको, आदू गिर जाएगा, मम्मी का हैंड पकड़ो। और मैं एक अच्छा फोटो ली हूँ। मामा वहाँ पे देखो आराम से चिल कर रहे हैं। मामा अपना फोटो ले रहे हैं, सेल्फी। मामा आज सेल्फी क्वीन बने। हाँ। आ जाओ आ जाओ, गिर जाओगे बेटा, स्लीप हो जाएगा। दीदी तो चली गई दौड़ते दौड़ते, चलो हम भी चलते। हाँ दीदी दौड़ते दौड़ते चले गए। ओके यहाँ पे ये प्लांट्स देखो, वो नीचे से बहुत सुंदर लगेगा। हाँ। मतलब यहाँ पे कुछ था ही कुछ नहीं। लिखा भी है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही फ्लावर फ्लावर कुछ बना हुआ। ओ, तो ये वाला जो होटल है ये तारा होटल है जहाँ हम रहते हैं। हाँ, और वो वाला सितारा है। तो फिर ये देखो, ये जो गार्डनिंग ऐसा है ना, यहाँ पे एक बटरफ्लाई, दोनों साइड में बटरफ्लाई, बीच में एक फेरी ऐसे। हाँ, और उधर देखो अदू, एक बटरफ्लाई। हाँ, और वो क्या है वो ऊपर, वो कोई पैलेस जैसा है क्या? घंटा घर। तो फिर ये जो तारा होटल है उसमें स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन जो सितारा होटल है उसमें है। आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा स्टार होटल को स्विमिंग पूल के लिए, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। परी, आदू बोल रहा है ये स्विमिंग पूल है, ऐसे बोल रहा है। ये आदू को स्विमिंग करना है ऐसे बोल रहा है। आदू को यहाँ फेंक दो, अच्छे से स्विमिंग करेगा। स्विमिंग पूल नहीं है आदू, इधर गंदा पानी है। हाँ, इधर वो प्लान में पानी देने के लिए है शायद। आदू जंप करेगा? आदू जंप, 1 2 3। डर रहा है आदू। हम चलो उधर से चलते हैं, आजा कम। तब तक देखते हैं पापा हम दोनों पहुंचते हैं पहले या वो दोनों। वहाँ बेटे चलो, कैसा लग रहा है? पति, यहाँ पानी की तानू पानी जी। हाँ, ये दादो ही, ये तो अलग लेवल का है। चलो गोदी कर लेती हूँ। नहीं गोदी नहीं कर, गोदी नहीं करना, मैं क्या करूंगी। हाँ, अभी तो वहां से आ गया। चलो देखते हैं यहाँ कैसे करोगे। मुझे दर्द है, गोदी गोदी करो, गोदी लो। आजा। तो फिर अभी हम हैं सांगी टेंपल को, तो फिर यहाँ पे अभी हम खाली पैर जाएंगे अंदर, और हम पूरा मतलब एक हिल के पूरा टॉप में ये टेंपल है। तो फिर चलो लेट्स गो। अरे सनसेट कितना सुंदर लग रहा है देखो अभी। हाँ, सनसेट हो रहा है ना। चलो चलो जल्दी चलो फिर। ये जो टेम्पल है ना परी, ये बस 1 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारे होटल से। अच्छी बात है ना। हाँ। और कितना अच्छा हवा आ रहा है देखो। हाँ। वो व्यू तो देखो, चलो नीचे ऊपर, मतलब वो आगे देखो कितना सुंदर व्यू है परी, पूरा सिटी दिख रहा है ना। से आ चुके हैं और अभी हम हैं सितारा होटल में, जो कि सितारे जैसे चमक भी रहा है। तो एंड चलो, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सितारा में रुकेंगे, है ना। इस बार तारा में हमने रुका है, नेक्स्ट टाइम सितारा में। ठीक है ना। और ये बहुत लग्जरियस है, उससे बहुत ज्यादा। अमिताभ बच्चन जब आते हैं ना तो यहीं पे रुकते हैं। परी, चलो एक बार स्विमिंग पूल रात को कैसे दिखता है देखते हैं। हां चलो, बहुत डीप है। स्विमिंग पूल जाएंगे, आदू भी जा रहा है। आदू स्विमिंग पूल जाएगा? हाँ। वाव। तो तारा एंड सितारा दोनों होटल के लिए जो स्विमिंग पूल होता है वो एक ही होता है, और वो सितारा होटल में है। और कितना सुंदर लग रहा है परी देखो। और बर्ड्स, परी बर्ड्स का आवाज सुनाई दे रहा है। तो फिर ये है हमारा स्विमिंग पूल। तो फिर इसका हाइट ऑलमोस्ट लाइक मेरा इतना है। हाँ, इतना है, यानी कि आप भी डूब जाओगे। तो फिर बहुत डीप है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। और वहाँ पे वो किड्स पूल है, तो फिर चलो देखते हैं।
ये देखो आदू आज सुबह से ना वो जब से आए हैं तब से उसको स्विमिंग पूल जाना है ऐसे बोल रहा था। आदि कूद जाओ जाओ, देखो आदि का भी बेबी स्विमिंग पूल है, कितना छोटा है ना। आदू इधर स्विमिंग करेगा। हाँ, पानी इतना है देखो। स्विमिंग पूल आना है, हैंड पकड़ो मेरा। रेडी हो क्या है? क्या करना है? वो टच करना है। टच करना है। हो गया हो गया हो गया हो गया। ठंडा है क्या परी? नहीं देखो इतना है। नहाने के बाद अच्छा लगेगा ऐसे। हाँ। नॉर्मली ठंडा मेरे को। ये जाओगे? चलो आते हैं। आदि आप नहाओगे कि नहीं पहले जल्दी बोलो। मैं सोच रही हूँ। नहाओ, आदि भी नहाएगा। आदि को पूछो, आदि को पूछो। आदि स्विमिंग पूल जाएंगे, मस्ती करेंगे। डर रहा है, डर रहा है। क्या आदि तो बोल रहा था कि उसको नहाना है। हाँ। नहीं नहाना, मम्मी और परी दीदी जा रहे हैं आदु नहाने। हाँ। आदु को जाना है? आदु यहाँ ही रहेगा मामा के साथ, जाओ। ठीक है, आदु मामा के साथ इधर बैठेगा। हाँ। और मम्मी परी दीदी नाव नाव करने जाएंगे। मम्मी प्लीज। ओके। ना सकते हैं प्लीज। हाँ। ठीक है, जाएंगे। हाँ। सो परी नहाने के लिए रेडी? पापा यू नो व्हाट, बहुत दिनों के बाद रात को ऐसे नहाएंगे हम। यू नो व्हाट, ये मेरे के लिए है ही नहीं। ओके, ये मम्मी के लिए। चलो बड़ा वाला मेरा। हाँ चलो टाइप करो फिर। आदू के लिए देखो, आदू रेडी भी है। आदू रेडी? ओके चलो फिर। 3.10 फीट डीप। आदू नाव नाव करेगा। चलो मम्मी हम दोनों साथ में जाएं। सैंडल लेकर क्या खोल इधर। चलो खोलो सैंडल, चलो। ओके चलो चलते हैं। चलो देखता हूँ परी को कैसा लगता है। कैसा लग रहा है? काइंड ऑफ ठंडा। ठंडा लग रहा है? सर्दी के दिनों में परी जा रही है पूल के अंदर रात को। चलो देखते हैं परी का रिएक्शन। ओम शांति। जंप 1 2 3। ओ यहाँ पे थोड़ा कम गहरा है। चलो अभी आपकी बारी। चलो और मेरा बेबी, मैं हूँ इसको। चलो अभी परी की मम्मी, मैं ढकेल दूँ क्या पीछे से? अरे मम्मी सुनो, ये वाला कम डीप है। कैसा लग रहा है पानी? अच्छा है। अच्छा है। ऊपर क्यों आ गई? क्या बेबी पूल में नहाएगी अभी? अरे बेबी पूल का तो टेम्परेचर सेम है। सेम है। ओ बाबा, आपको नहाना है कि नहीं नहाना है? नहीं नहाना है। आपका बेटा नहीं नहा रहा है, वो पानी से दूर भाग रहा है, खेलने में बिजी है। ठीक है आप दोनों इधर नहा लो, जाओ ऐस करो। और मेरे बेटा को कौन देखेगा? ये मैं देख रहा हूँ। चलो चलो। अरे मम्मी आप बस यहाँ पे खड़े हो, तुम धक्का मारो तुम। नहीं पता है परी कितनी बदमाश है। देखो जंप, देखो मैं जैसे हिम्मत जुटा। देखो ऐसे करो, रेडी ऐसे चलते चलते परी, ऐसे वाला टिप करो, ऐसे शू वाला। कौन सा? ये वाला की ऐसे चलते चलते बस। हाँ मारो बस की दौड़ते 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 दौड़ते। चलो ओके रेडी। परी बहुत ज़्यादा ठंडा है। ए परी फिर खाई गई। परी तुम्हारे मम्मी नहाने वाली है अभी। ओ माय गॉड, सर्दी के मौसम में -10 डिग्री सेल्सियस के सेल्सियस पे ये दोनों वीडियो कंटेंट के लिए पानी के अंदर जा रहे हैं। हम कंटेंट के लिए ये कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है। कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है देखो। परी -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंटेंट के लिए क्या क्या कर रहे हो आप लोग? ओ माई गॉड, जा नहीं पा रही हूँ मैं। चले जाओ चले जाओ, कोई नहीं, हनुमान जी का नाम लो और चले जाओ आप। जय हनुमान। ये देखो आदि भी अभी थोड़ा पानी को टच कर रहा है। मम्मी मैं आगे ले आ रही हूँ, हाथ पकड़ो मेरा। कैसा है पानी? ठंडा है ना? बहुत ज्यादा ठंडा है। वहाँ चलते हैं। बचा ले रे बाबा। ये क्या था बाबा, ये क्या था? आप कर, आप कंटेंट के लिए इतना मेहनत कर ले हो। एक तो लाइक का है, एक लाइक तो बनता है। ये -10 डिग्री में नहा रहे हैं ये लोग, सर्दी के मौसम में कुल्फी बन रहा है, इनके लिए एक लाइक बन जाएगा। आदि को पकड़ो पकड़ो।
अभी परी पिज्जा कैसे बनाएगी वो देख रही है। देखो परी पिज्जा कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले बेस, चलो थोड़ा गेम खेलते हैं। चलो कौन सा गेम खेलोगे आप लोग? अभी हम लोग लेट हो चुके हैं, रात का 10 बजे ये क्लोज हो जाता है, तो हम लोग बस देख रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन इधर है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मिस नहीं करना है। टीटी खेलना है। किसको टीटी खेलना है? चलो खेल लो। वाह ये क्या है, ये टीटी बॉल इतना बड़ा है। और ये दीदी लोग खेल रहे हैं, देखो कौन जीतेगा। ओहो अरे बाप रे, तो फाइनली डिनर हो गया और अभी जल्दी से सो जाते हैं। हाँ और फिर सुबह उठ कर फ्रेश होके खाना ब्रेकफास्ट खाके फिर हमको जाना है रामोजी फिल्म सिटी। 9 बजे से हमको रामोजी फिल्म सिटी स्टूडियो टूर है कल, तो बहुत कुछ मस्ती होने वाला है नेक्स्ट ब्लॉक पे, है ना परी? हाँ। तो वैसे तुमको परी जो होटल में गुस्सा हो रहा है आदि, क्या हुआ आदि? आ जा पापा के पास आ जा। सो परी सबसे पहले बताओ तुमको क्या क्या अच्छा लगा? स्विमिंग पूल, खाना और जो बैकग्राउंड था एंड द सीन। आउच तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाइक जो बैकग्राउंड्स थे और फिर वो जगह था ना, वो लाइक बहुत सुंदर था और वहाँ पे ग्रास भी पूरा कट किए थे। ओह माय गॉड दैट इज ऑसम। तो मतलब वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा जगह है ये। हाँ ठीक है। और वैसे अगर आप लोग ओनली स्टूडियो टूर करना है तो आई थिंक इधर रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है ये। लोकेशन वाइज अच्छा है बट आपको अच्छे बेटर प्राइस पे आपको बाहर भी मिल जाएगा, और आप यहाँ पे अराउंड पर हेड 1300 या 1500 पे करके पूरा स्टूडियो टूर आप कर सकते हो। हाँ तो मेरा जो फीडबैक है बेसिकली प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। ओके क्यों? ठीक है प्राइस के बाद बाद में आता है, मुझे प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ा यहाँ पे सब पर ही तुम एग्री हो कि नहीं बताना। ठीक है पहला प्रॉब्लम था ये जो स्विमिंग पूल, हम लोग रुके हैं तारा होटल में और स्विमिंग पूल है सितारा होटल पे। तो हमको जब इधर से वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से टॉवेल लेके नहीं जा सकते, उधर से जब आओगे तो टॉवेल लेके नहीं आ सकते। तो हम हाँ, वहाँ पे पहुंचे तो, और बड़ी मुश्किल से ठंडी में लिटरली आए। हाँ तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जो स्विमिंग पूल एक्सेस है उसके लिए आपको हाफ किलोमीटर वॉक करना होता है, तो बहुत इनकन्वीनियंस है। और जब आप तारा होटल से सितारा होटल पे जाओगे तो थोड़ा सा एक डिफरेंट वे पे लोग देखते हैं जहाँ जब वहाँ पे आप स्विमिंग पूल पे जाओगे। हाँ। तो क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल का होटल है, ये थोड़ा बजटेड लेवल का होटल है, तो वो एक मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे लगा। दूसरा जो है इसका इंडोर जो है वो मतलब उतना कुछ है नहीं वहाँ पे खेलने के लिए। ओके और बच्चों लोगों के लिए कुछ किड्स प्ले एरिया वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मुझे जब हम गए थे क्लब हाउस मुझे थोड़ा बोरिंग काइंड लगा, लेकिन एटलीस्ट खाना खाना हाँ खाना मतलब बहुत लिमिटेड ऑप्शन है और जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है। अगर आप बफेट देखोगे तो 1200-1300 है और जो मेनू है बहुत बहुत लिमिटेड है, बट टेस्ट ठीक था है ना। और जो भी खाना था हमने बहुत एंजॉय किया नो डाउट, बट एज कम्पेयर टू द प्राइस और भी ज़्यादा कुछ मेनू पे होना चाहिए, जैसे कि चिकन का आइटम एक हो गया, पनीर का एक आइटम हो गया, फिश का हो गया, दैट्स ऑल, कुछ वेराइटी वगैरह कुछ नहीं था। हाँ
जैसे पिज्जा हमने खाया, बस वेज पिज्जा ही ऑप्शन था और कुछ नहीं था, राइट? नॉन वेज या कुछ और डिफरेंट पिज्जा ऑप्शन भी नहीं था। तो फूड भी मतलब फूड हम एंजॉय किए, बट अगर आप पैकेज में लेके जाते हो तो थोड़ा सा आपको फूड चीप पड़ेगा, अगर आप इंडिविजुअल बफेट लोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कोई रिक्वायरमेंट उतना है नहीं विद इन द कैंपस, देन आप बाहर रुको, बट आप सुबह 9 to 5, कल हम जाएंगे एक्सपीरियंस करने के लिए, पता नहीं कैसा है, बट लोग बोलते हैं कि अच्छा ही होगा, तो वो जो भी होगा आप देख लेना। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। और अभी बस मेरे को सोना है, मेरे को नींद आ ठीक है। सो फ्रेंड आज के लिए इतना है ना। सो फ्रेंड्स आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? हमको तो बहुत मजा आया, और नेक्स्ट ब्लॉग में भी ना बहुत मजा आने वाला है। और फ्रेंड्स तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, एंड बाय बाय। आधी वीडियो एंड करो, तब तक मैं सोना चाहती हूँ। बाय। इधर 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 एंड करना। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? ये वाला वीडियो देखे हो कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो फिर जरूर देखना, बहुत मजेदार है।